अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लेटेस्ट न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लो, आपको इंशाल्लाह अपडेट मिलती रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहर कैद के लिए 162 अरब रुपए का पैकेज का ऐलान करते हुए कहा है कि कराची में पानी बचाने के लिए मुहिम शुरू की जाएगी, जबकि शहर में सीवरेज के मसाइल के हल के लिए भी 7 मंसूबे शुरू किए जाएंगे। कराची की तरक्की के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। शहर कराची के 2 रोज़ा दौरे पर मौजूद वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची वालों के लिए बड़े ऐलानात कर दिए। अहम इजलास की सदारत के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि ये शहर कराची का मुआशी होब है, कराची के लिए 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान करते हैं। कराची में दस्तियाब जगह बचाने के लिए बुलंद इमारतों की इजाजत देंगे। कराची में आबादी का बहुत ज्यादा फैलाव है, सहूलतों की कमी का बायस है। कराची को दरपेश मसाइल के हल के लिए मास्टर प्लान की जरूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पैकेज में कराची में सीवरेज मसाइल के हल के लिए 7 मंसूबे शामिल है। शहर में पानी बचाने के लिए मुहिम शुरू की जाएगी। इस शहर की तरक्की पूरे पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत ही जरूरी है। सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कराची के हालात ठीक करना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, ताहम विफाक को भी कराची के हालात की फिक्र है। पाकिस्तान में कभी किसी ने पानी जखायर करने का नहीं सोचा, अंदरून सिंध से जीत कर कराची का ख्याल नहीं रखा गया। शहर के लिए ट्रांसपोर्ट और साफ पानी फराहम करने का मंसूबा भी ला रहे हैं। सिंध में जंगलात पर कब्जा करके दरख्त काट देंगे, मुल्क भर में 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ है। सिंध में शजरकारी की अशद जरूरत है। कराची को दरपेश मसाइल के हल के लिए मास्टर प्लान की जरूरत है। कराची में कम होते दरख्त पर तशवीश का इजहार करते हुए इन्होंने कहा है कि वक्त के साथ साथ कराची में पार्क कम होते जा रहे हैं। बाग इब्न कासिम को देखकर हैरान हो गया, फिजा से देखा जाए तो ये शहर एक कंक्रीट का जंगल लगता है। हरियाली कम होने से मौसम के जद में इजाफा हुआ, यहाँ दरख्त और पौधे लगाने की सख्त जरूरत है। आने वाली नस्लों के लिए बेहतरीन माहौल फराहम करना चाहिए। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। अल्लाह हाफिज।